नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं? हैप्पी दीपावली सबको, और रत्ना विद सीनियर्स में आप सबको स्वागत है। तो दिवाली कैसे मनाई जा रही है? जानते हैं दिवाली में तो रंगोली मस्ट है, आप लोगों के घर में भी बनता होगा, है ना? और आप लोगों के घर के आसपास कैसे सजाया है देखिए, मेरे घर के आसपास कितना सुंदर से सजाया है ना? एकदम लगता है कि क्या बोले, एकदम चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। कहा जाता है ना कि राम जी जब वनवास 14 साल वनवास करके जब वापस आए थे अयोध्या में, तो दियो की माला से पूरा रोशनी की गई। तब तो दिए जलते थे, और फिर मोमबत्ती है आई, और अब मोमबत्ती छोड़कर पूरा चाइनीज एकदम बल्ब से भर गया। लेकिन अच्छा लगता है, बोलिए। कहते हैं मैं ये ब्लॉग को खास करके मेरे उन व्यूअर्स के लिए बनाई हूँ जो अभी कुछ कारणवश घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो कम से कम घर के घर में बैठकर तो अपना ये सब रोशनी चारों ओर इतना सुंदर लग रहे हैं, सब देख सकते हैं। हमारे पटने में तो दुकान में सब लक्ष्मी जी गणेश जी का भी पूजा किया जाता है, और बहुत अच्छा से सब पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, है ना? आइए, आप लोग को वहाँ क्या होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कहाँ क्या होता है, नहीं होता है, है ना? अच्छा लगेगा सबके साथ शेयर करने से, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताएँ, दिखाएँगे। देखिए हवन भी होती है, और पूरे सब सब दुकान में पूजा अर्चना की जाती है, लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा की जाती है, घर घर में लक्ष्मी जी गणेश जी का पूरा एकदम सुंदर से सब चीज बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ एकदम बहुत अच्छा। चलिए आप लोग को पटना कालीबाड़ी भी ले चलेंगे, वहाँ भी बहुत अच्छा पूजा होता है। काली माता का भी जानते हैं ना, काली माता का भी पूजा होता है, लक्ष्मी जी का पूजा जिस दिन होती है ना दिवाली की रात, अमावस्या का रात में जब लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा होता है। देखिए हम लोग अभी आए हैं कहाँ, पटना कालीबाड़ी, ये बहुत फेमस है, काली माता मंदिर बहुत बहुत फेमस है, एयरपुर काली माता। ये राधा किशन जी का मूर्ति है, ये देखिए ये काली माता का मूर्ति है, बहुत अच्छा से पूजा होती है, इतना सुंदर से सजाया है, अभी तक पूजा शुरू नहीं हुई है तो बहुत सुंदर से सजाया है, रात भर इसका पूजा होती है, यहाँ वो प्रसाद बनता है। ये कालीबाड़ी में ना चारों दिन, दशहरा में चारों दिन बहुत अच्छा से पूजा होती है, और भी एक साल में बहुत सारा बसंती पूजा, जो दुर्गा पूजा चैती छठ होता है ना, उसके पहले एक दुर्गा पूजा जो होती है वो भी यहाँ होता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। देखिए कितना अच्छा लगा ना आप लोग को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट, और फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं नई कुछ के साथ। बाय बाय।